हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बेबी स्वेटर का डिज़ाइन का फर्स्ट पार्ट फ्रंट पार्ट को गला किस तरह से पट्टी वाला बटन पट्टी वाला गला किस तरह से बिनिएगा और आर्म होल घटाना बताऊंगी। तो गला किस तरह इसमें रखना है और आर्म होल कितना फंदा आपको घटाना है साइड में। बैक साइड का तो मैं बना के घटा के दिखा दिया आपको, वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। बैक साइड में 11-11 फंदा घटा है, तो फ्रंट साइड में भी 11-11 फंदा आर्म होल में घटेगा। तो और बीच में आपका बटन पट्टी किस तरह से बनेगा, तो इसमें मैं यहाँ से डिजाइन नहीं डालूंगी, यहाँ से प्लेन पिंक में ही बनाऊंगी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 78 फंदा है, 78 फंदा को आपको बीच में 8 फंदा जो है गले का पट्टी के लिए रखना है। दोनों साइड से 78 को दो दो भाग में कीजिए, 35-35, 35 × 70 और 49 होता है एक साइड 49, तो उसको बीच में 4-4 फंदा दोनों साइड से रख के 8 फंदा बीच में रख के आपको 35 एक साइड 35 एक साइड रखना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 78 फंदा है, तो अब 35 गिनना है आपको। तो सबसे पहले देखिए इसको घटाना है, 1, 2, 3 और ये 4 फंदा घट गया। अब गिनना है आपको 4, 5, इसको गिनते जाइएगा आप, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 हो गया एक साइड। अब इधर 35 आपको 35 गिनना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 हो गया 35 इस साइड 35 इस साइड। अब यहाँ देखिए 2, 2, 4, 6, 8 आठ फंदा रह गया, ये 8 फंदा को आपका गला का पट्टी आपको बनाना है। तो उनको आगे कीजिए, ये 8 फंदा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 फंदा हो गया गले की पट्टी के लिए। तो यहीं से आपको टर्न ले लेना है, इसको अब नहीं छूना है, इसको छोड़ देना है। ये 35 फंदा है, इसको यहीं छोड़ देना है आपको। तो अब यहाँ से देखिए इस तरह से, फिर यहाँ से इसको ये वाले फंदा इस तरह से उतारिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर आगे तो इसको इसी साइड इस साइड से भी उल्टा ही बिन लीजिए, ये 8 फंदा, 2 उल्टा 2 सीधा इस साइड से। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 8 फंदा हो गया, ये गले का पट्टी वाला होगा बटन पट्टी। अब उनको आगे कीजिए और फिर ये सारा फंदा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लीजिए। अब ये उल्टा रो पूरे कंप्लीट हो गया। अब आ गया डिजाइन का सीधा रो। देखिए इसमें फिर आपको 3 फंदा घटाना, 1, 2 ये हो गया 3 हो गया। उसके बाद टोटल फंदा सीधा सीधा बिनना है, तीन चार 7 फंदा घट गया। आर्म में जितना आप बैक साइड में घटाई हैं उतना ही फ्रंट साइड में भी घटेगा आर्म होल की घटाई। तो इस तरह देखिए
ये पूरे रो इसी तरह यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। देखिए बटन पट्टी के पास आ गया, तो ये आप चाहे पूरे उल्टा उल्टा बिन सकती हैं, बॉर्डर भी इसमें बना सकते हैं उल्टा एक सीधा का, या ये डिजाइन भी डाल सकती हैं। देखिए जो मैं डाल रही हूँ, तो ये दो उल्टा हो गया। अब यहाँ दो इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये सीधा। फिर इस साइड से भी इसको इस तरह से सीधा ही बिन लेना है, उल्टा ही बिनना है, जो उल्टा आठ फंदा है ये इसको उल्टा ही। तो दो रो इस तरफ डिजाइन उल्टा उल्टा आ जाएगा, दो उस तरफ। देखिए पूरे रो इसी तरह कंप्लीट कर लीजिए आप उल्टा बिन के। अब ये आ गया देखिए सीधा रो, तो इसमें चार तीन सात, सात फंदा घट गया। अब दो फंदा और इसमें इस साइड से, एक दो, दो फंदा घट गया। अब इसको पूरे रो बना के यहाँ पे ये फिर आठ फंदा यहाँ बताऊंगी मैं आपको। देखिए सीधा बिन के यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ, और ये आठ फंदा, दो दो चार दो छह दो आठ, देखिए दो उल्टा इस साइड हो गया है, दो देखिए इस साइड हो गया है। अब इस साइड फिर दो रो उल्टा बिना जाएगा, तो इसको ऊन को आगे कीजिए, फिर दो रो छ सात ये आठ हो गया, हो गया। फिर इसको उल्टाइए, यहीं से टर्न कीजिए पूरे ये वाला कंप्लीट करके, फिर इधर वाला उसी तरह घटेगा जिस तरह इस साइड घटेगा। अब यहां से फिर देखिए इसको, एक दो तीन चार पाँच छ सात ये हो गया आठ, और उनको आगे कीजिए। अब ये सारा उल्टा फंदा उल्टा बिन लिया जाए, ये सारा फंदा उल्टा बिन लीजिए। तो अब नौ फंदा घट गया है, अब इस बार एक फंदा और घटेगा। अब ये हो गया चार तीन सात दो नौ, अब एक फंदा ये दस, और एक फंदा और घटाऊंगी मैं आर्म में, ग्यारह ग्यारह फंदा दोनों साइड। ये पूरे कंप्लीट कर रही हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए यहाँ पे आ गए पट्टी, देखिए ये आठ, ये दो उल्टा दो सीधा फिर दो उल्टा। अब फिर यहाँ पे सीधा ही बिन लेना है आपको, पूरे उस साइड उल्टा जैसा बन जाएगा इसमें। ये आठ फंदा इस तरह बनेगा, इसी में बटन होल भी बनाना बताएंगे आपको। अब फिर देखिए इसमें इस तरह से ही ये पूरा रो उल्टा ही बिन लीजिए आप इस तरह से। इस साइड से इस तरह ये बटन पट्टी बनेगा, देखिए। अब ये पूरे रो बिन लीजिए। अब ये देखिए टेन फंदा ये घट गया है, अब एक और बस, आर्म होल घटना कंप्लीट हो गया आपका। अब यहां से अब इस साइड आर्म के साइड कुछ नहीं घटाना है आपको, सीधा बिनते जाना है। ये आर्म होल घट के कंप्लीट हो गया, ये पूरे इस तरह से ही ये हो गया। देखिए एक साइड का ये घट, ये देखिए ये आर्म का घटाई पूरे कंप्लीट हो गया है। अब ये यहाँ से आप कम से कम चार अंगुल बिन लीजिए इस तरह से, ढाई इंच है। तो इसमें देखिए बटन होल। अब ये देखिए ये आर्म होल घट गया है, अब यहाँ पे आप एक बटन होल बना लीजिए। तो बटन होल बनाने किस तरह से बनाना है आपको, देखिए यहाँ पे सीधा आएगा दो, इधर से सीधा उधर से उल्टा, एक दो तीन चार, ये चार पे यहाँ पे बटन होल बनाना है आपको इस तरह से करके। देखिए इस तरह से इसको लपेट लीजिए, एक
दो तीन चार, हो गया। ये देखिए चार पे ये बटन होल यहां बन गया, ये चार सीधा बिना गया। अब इसको उल्टा साइड से क्या करना है आपको, उल्टा साइड से ये वाला तो इसी तरह बनेगा, देखिए उल्टा उल्टा ही बिना जाएगा। दो तीन चार, ये चार फंदा हो गया। अब इसको जो है इस फंदा को देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों को एक साथ घटा लीजिए आप इस तरह से, तो यहाँ एक बटन होल इस तरह से आपका बन जाएगा। देखिए जाली के तरह बनता है बटन होल, जाली की तरह घुमाइएगा तो जाली बन जाता है, उसी को बटन होल कहते हैं। छोटा वाला बटन होल इसी तरह बनता है। अब जब बड़ा बटन होल बनाइए तो उसके लिए अलग डिजाइन बनता है। अब ये देखिए ये बटन होल बन गया है, यहाँ एक दो तीन, तीसरे के ऊपर बटन होल बन गया है। तो अभी इधर और घटाना नहीं है आर्म के तरफ, आप इसको इतने बड़ा और जितना बड़ा ये है इतना बड़ा और इस साइड बिन लीजिए ऊपर, फिर एक बटन होल होगा। उसके बाद गला घटाना मैं बताऊंगी आपको किस तरह से गला घटाइएगा। दो बटन होल इसमें लगेगा, एक यहाँ है एक ऊपर जहाँ गला घटाऊंगी। तो अब मैं पूरे बिन के, इधर घटाना नहीं है, सीधा जिस तरह बिना गया है इसी तरह उल्टा सीधा, और ये बटन पट्टी इसी तरह बिनते जाइए आप। अब ये देखिए ये गला का पट्टी तैयार हो गया। अब गला घटाना है, देखिए ये चार अंगुल ये हो गया। अब यहाँ से आपको गला घटाना है, आर्म तो घट गया था पहले ही यहीं तक 11 फंदा, उसके बाद नहीं घटाना है। अब गला आपको घटाना है, आप किस तरह से गला को घटाइएगा तो उसके लिए ये देखिए इसमें दो बटन होल में बना ली हूँ। ये देखिए तीन के बाद एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो बटन होल बन गया है। अब देखिए इसमें अब ये आठ फंदा जो है पट्टी वाला, ये आठों को एक साथ उतार लीजिए आप, एक दो तीन चार पांच छः सात और ये हो गया आठ, आठ फंदा आपका घट गया। देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ। अब यहाँ से उल्टा, पूरे उल्टा भी नहीं है, फिर इधर से सीधा भी नहीं है, फिर यहाँ आना है, फिर गला का फंदा घटेगा वो बताऊंगी आपको। अब ये रो कंप्लीट कीजिए उल्टे साइड से, फिर सीधे साइड से भी आप रो कंप्लीट कीजिए। देखिए सीधा बिन के कंप्लीट हो गया, यहाँ 25 फंदा बचा है। अब ये 25 को आपको घटाना है गला का, जैसे आठ घट गया अब यहाँ तीन फंदा घटाइएगा, 25 में तीन फंदा घट जाएगा, एक दो और ये एक तीन, तीन फंदा घट गया। फिर ये रो कंप्लीट कीजिए उल्टा बिन के, फिर इस साइड से भी आप सीधा बिन के कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये देखिए आठ के बाद तीन फंदा घट गया, अब फिर यहाँ 22 फंदा बचा है, 22 में दो फंदा फिर घटेगा, एक और ये हो गया दो। अब फिर ये रो पूरे कंप्लीट कीजिए उल्टा साइड से और सीधा साइड से भी, जितना फंदा आप घटाना रखना है आपको उतना छोड़ के एक एक फंदा हर काटा में आप घटा लीजिए। ये हो गया तीन दो, अब यहाँ फिर एक एक फंदा, 20 फंदा अब यहाँ है इसमें। देखिए अब
यहाँ से हर कटा में एक एक फंदा, आपको इधर जितना भी रखना है, 16 रखना है, 18 रखना है, 16 रखना है, 10 रखना है, जो भी रखना है आपको, उससे पहले जो भी फंदा हो एक एक करके घटा लीजिए। अभी इसमें 19 फंदा है, अब 19 फंदा में एक फंदा और घटाइए, अब रह गया इसमें 18 फंदा, 18 फंदा, देखिए 18 फंदा रह गया। ये अब देखिए इसमें 8 3 2 1 1 करके मैं फंदा घटा चुकी हूँ, इसमें 18 फंदा रखी हूँ। वैसे 16 रखती 18 रखी हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर फंदा उठेगा बाजू का, इसलिए यहाँ से यहाँ पे आप 18 फंदा रखिएगा, 18 फंदा। तो इसको आप अब जितना बड़ा बनाना है आपको उतना बड़ा बिन लीजिए। देखिए अभी 2-4 कटा और बिना जाएगा ये। अब देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें आपको आर्म घटाना, बटन पट्टी बनाना, बटन होल बनाना और गला घटाना मैं बता दी हूँ आपको बहुत अच्छा तरीका से। देखिए सेम इसी प्रोसेस से अब इस साइड भी आपको आर्म घटाना है, बस यहाँ पे देखिए 8 फंदा इसमें आपको इसी से फंदा उठा लेना है, 8 फंदा, ये मैं बताऊंगी आपको दूसरा वीडियो में किस तरह से आप फंदा उठाइएगा। देखिए ये आपका एक साइड का फ्रंट साइड का बटन पट्टी बनाना, आर्म घटना और गला घटना पूरे कंप्लीट हो गया है। देखिए इसमें आपको ये देखिए कितना अच्छा से ये घटा है इस साइज से। आपको इसमें कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।